गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नित्यानंद सिन्हा आपका मैथ टीचर। आज मैं क्लास 10 का क्रैश कोर्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वीडियो भेज रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड मेन पॉइंट को हम लोग डिस्क्राइब कर लें, इसके बाद सोल्यूशन कराएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल जो है एक्स और वाई है, ए बी सी ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो एक्स का कोफिशियंट ए हुआ, वाई का कोफिशियंट बी हुआ और कॉन्स्टेंट टर्म सी। इस नेक्स्ट पॉइंट है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अ सिस्टम simultaneous linear equation in two variable it consist of two equations, first is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Here a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 is constant term in equation first. और ए टू इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, बी टू इज द कोफिशियंट ऑफ वाई, सी टू इज कॉन्स्टेंट टर्म इन इक्वेशन सेकेंड। अब थर्ड टॉपिक देखिए, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन वैल्यू। जब दो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और उसमें से x और y का कोई परफेक्ट वैल्यू निकलता है तो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें होता है इट हैज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। दैट मीन्स इससे जो हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है दोनों टर्म, तो इससे जो ग्राफ तैयार होगा, ये इस ग्राफ में दोनों इक्वेशन का जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अभी हम बताया आप लोगों को कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस दो तरह का सिस्टम होता है। तो ये पहला दो ग्राफ जो है कंसिस्टेंस का है और ये दूसरा तीसरा ग्राफ जो है इनकंसिस्टेंस का है। फर्स्ट केस में है कि दो इक्वेशन से जो लाइन ऑफ ग्राफ आप प्लॉट कीजिएगा उसमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम पी माने जिसका कोई वैल्यू अल्फा और बीटा या डेट मीन्स की एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आपको मिलेगा, जो जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, इसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सेकंड केस में देखिए, एक ही लाइन पर दोनों लाइन कोइंसाइड किया है, एल वन और एल टू दिया हुआ है। डेट मीन्स एवरी पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन इज कंप्लीटली कॉन्साइड ऑन द सेकेंड लाइन। तो इस केस में इसका सोल्यूशन होगा, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब थर्ड केस में आइए, जो ग्राफ अलॉट किया गया है, ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एल वन और एल टू है एक दूसरे के पैरेलल है, डेट मीन्स ये इनकंसिस्टेंस है और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब सिमल्टेनियस इक्वेशन को हम दो प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें अगर दो इक्वेशन गिवन है तो किसी एक टर्म को हम सब्जेक्ट मानकर दूसरे के टर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसमें देखिए, y को सब्जेक्ट मानकर हम x के टर्म में कन्वर्ट किए इसको फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में भी y को सब्जेक्ट मानकर हम इसको x के टर्म में कन्वर्ट किए। अब ये दोनों इक्वेशन से जो y इक्वल टू आया उसको इवैल्यूएट करके हम x निकाल लेंगे और किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे। दूसरा प्रोसेस होता है एलिमिनेशन मेथड। इसमें होता है क्या कि दो इक्वेशन में आइदर x और y को इक्वल करना पड़ता है, आवश्यकता पड़ने पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं पड़ने पर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, x प्लस y इक्वल टू 5 है और x माइनस y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल भी है अपोजिट साइन में भी है, इसलिए ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया। x और x को अगर प्लस करें तो 2x हो गया और 5 प्लस 2 7 हो गया, तो x इक्वल्स टू 7 बाई 2 आ गया।
अब इस x का वैल्यू इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों तरह का प्रोसेस आता है। तो ये एडिशन प्रोसेस है। सब्ट्रैक्शन कब होगा? जब x भी सिमिलर साइन में रहेगा और y भी सिमिलर साइन में रहेगा, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। अब थर्ड प्रोसेस में आइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन जो है यहाँ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 equal to 0। यहाँ x का कोफिशियंट फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशियंट a1 है, y का कोफिशियंट b1 है, कांस्टेंट टर्म c1 है। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशियंट a2 है, y का कोफिशियंट b2 है और कांस्टेंट टर्म c2 है। तो अब इस तरह की इक्वेशंस को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए दो फॉर्मूला दिया गया है। x निकालने का फॉर्मूला होता है b1 into c2 minus b2 into c1 by a1 into b2 minus a2 into b1। ये b1 c2 b2 c1 a1 b2 और a2 b1 जो दिया हुआ है, ये सारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का कोफिशियंट है। इस कोफिशियंट को ही लिखकर x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब y इक्वल टू होता है c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1। ये c1 a2 c2 a1 a1 b2 और a2 b1 जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में x और y का कोफिशियंट है। तो इस कोफिशियंट का वैल्यू यहाँ पुट करके ही हम y का सोल्यूशन निकालेंगे। अब इसमें एक सिमिलर चीज आप देख रहे हैं कि दोनों ही केस में x और y दोनों ही चीज फाइंड आउट करने में डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम है, सिर्फ नोमिनेटर में वेरिएशन आता है। तो इस चीज को अगर दिमाग में रखेंगे तो फॉर्मूला इजीली याद रहेगा। एडिशनल सॉल्यूशन फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स। अब यहाँ पर देखिए दो तरह का सिमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ गिवन है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 equal to 0। यहाँ a1 x का कोफिशियंट है, b1 y का कोफिशियंट है, c1 कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट इक्वेशन में। a2 x का कोफिशियंट है, b2 y का कोफिशियंट है, c2 कांस्टेंट टर्म है सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ तीन तरह का कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। उस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a1 by a2 not equal to b1 by b2। यहाँ a1 a2 b1 b2 जो है कोफिशियंट है। सेकेंड हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस केस में होता है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। ये तीनों टर्म इक्वल होगा। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म है। अब थर्ड में आइए, हैज नो सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। यहाँ भी a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से इस कंडीशन के अनुसार हम कोफिशियंट का वैल्यू पुट करके और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चैप्टर 3 से रिलेटेड मेन टॉपिक जितने भी हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसके बाद इससे रिलेटेड PDF मैं भेज रहा हूँ, उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, उसको भी देखेंगे। साथ में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके भेजे हैं, उसको भी देख लेंगे और सॉल्व करेंगे आप लोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी का सॉल्यूशन भी है, उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका एक्सरसाइज फर्स्ट जो है ए, उसका सोल्यूशन नहीं जा रहा है। इसका रीजन यह है कि वो ग्राफिकल सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन में जो एग्जाम्पल में हम सॉल्व किए हैं उसका न्यूमेरिकल प्रोसेस तो 100% परफेक्ट है, लेकिन उसका जो ग्राफ हम बनाए हैं वो रफ ग्राफ है। उसको स्टडी करके इस चैप्टर का ए एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन बी सी डी इसके बाद जो भी एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन भेज रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझकर और जो होमवर्क रहेगा उसको सॉल्व करना है और साथ साथ एक्सरसाइज को भी सॉल्व करके फिर को। थैंक यू।